ये मेरे लिए भाग की बात है। मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहूंगा कि हम पत्रकार मित्र कल से पूछ रहे हैं, हमसे कई लोगों ने पूछा कि आपका ज्वाइनिंग, हम कहा भारतीय जनता पार्टी बताए, तो कहते आप क्यों नहीं बताते हैं। हम कहा कि कांग्रेस पार्टी होता तो बहुत कुछ बोल जाता, लेकिन भाजपा पार्टी में जाने पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे हर एक कदम जरा सोच सोच करना पड़ेगा। मैंने किसी अपने पत्रकार मित्र को बताया नहीं, बोले ऐसा देख दूं कि हो जाएगा। हम कहा इतना मान लो कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी मुझे कब जाना है। मैं ज्यादा दीदी आपको पता है, सबको पता है, मैं गृह राजनीति हुआ करता था और देवेंद्र फडणवीस साहब सामने से जब प्रश्न पूछे तो ऐसी बौछार होती थी, मुझे मालूम था कि मैं इनका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। मैं धीरे से कहता था, देवेंद्र फडणवीस साहब आप बहुत जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं चैम्बर मीटिंग लगाऊंगा, आपसे बात करूंगा। मेरी बात मान जाते थे, मेरी अड़चन कभी आने नहीं देते थे। इस बार जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, ये सोच के नहीं छोड़ा था मैं किसी पार्टी में जाऊंगा, लेकिन राजनीतिक आदमी हूं और जब मैं कुछ समय बाद आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला, कुछ बातें हुई, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अगर मुझे राजनीति करनी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना नहीं करना। दूसरे जिस दिन टेलीविजन पे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस बहादुरी के साथ 370 हटाने का वो पढ़ रहे थे, किसी के सामने से टोका 370 हटाने के बाद वहां जाना मुश्किल होगा, और उनका एक शब्द मुझे प्रेरित करता है, मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं कि जरूरत पड़ी तो जान दे दूंगा लेकिन कंप्लीट 300 का। ऐसे गृह मंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी को और उन सभी लोगों में प्रणाम करता हूं, और मैं आभारी हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्वीकार किया। मैंने कोई मेहरबानी नहीं की है, आपके विचार मेरी विचारधारा को समझ करके, मेरी राष्ट्रीयता को समझ करके आपने मुझे स्वीकार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मराठी में बोलता नहीं दादा, मैं पूर्वी इतने वाला भैया नहीं है सगड़े बोलत होते, मैं एकदा बोलो कि हिंदी माझी आई मराठी माझी मौसी, आई ने मला जन्म दिला, मौसीकडे सगळे मिळत असताही मराठी मध्ये मला एक आई म्हणून मौशी जाऊ, पण कोणी मरू नये, आई जगली पाहिजे आणि मौशी जगलीच पाहिजे। जसा कृपा संघर्ला ह्या महाराष्ट्राने नोकरीमध्ये काम करत असताही किंवा आज एवढे मला ते जगामध्ये सर्व पक्षांचे मोठा पक्ष भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करतात, असा पक्षामध्ये कृपा संघर प्रवेश करतात, मी एवढंच सांगेल दादा एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, अगला विश्वास मैं आपका जीत करके रहूंगा, और मुझे जो भी पार्टी का आदेश होगा मैं पार्टी के आदेश के हिसाब से काम करता रहूंगा। मैं इससे ज्यादा आज और कुछ नहीं बोलना है क्योंकि कई कार्यक्रम है। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और हमारे पत्रकार मित्रों को इस समय समय अपना सहयोग किया है मेरे राजनीतिक जीवन में, और कल से बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्रों ने लिखा भी है, बहुत सारे उत्सुक थे कि बताओ क्या कारण था। कारण स्पष्ट था कि मैं 20 महीने 21 महीने जो भी साल गुजर थे, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अरे मेरा कब होगा, मैं कब ज्वाइन करूंगा। मुझे मालूम था कि तुलसीदास जी ने रामायण में कुछ नहीं छोड़ा है, उन्होंने सब कुछ लिख डाला है। एक लाइन उसमें है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर रखिए जाए, तो धीरज जो धैर्य था मैंने कभी खोया नहीं, और इमरजेंसी में उसकी पहचान होती थी। फिर से आज के दिन एक चीज मैं और कहूं, यहाँ उत्तर भारत के कई लोगों को सवेरे पता चला जगह का मैं कोरोना काल है, उसके नियमों का पालन करना है, आप लोग मेहरबानी करके मत आइए, बोले आप कहीं बुला रहे हो, हम जाएंगे वहां, जगह नहीं होगी हम रहेंगे। बहुत सारे लोग सवेरे से फोन जब रात को पता चला, उन सब का बड़ा आभारी हूं। अभी तो ये शुरुआत है दादा, ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपके विचार रहा, भारतीय जनता पार्टी विचार रहा, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले समय चाहे मुंबई महानगर पालिका हो चाहे जो भी हो, ये उत्तर भारतीय समाज अगर पूरी तरह से आपके साथ समर्थन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ तो मेरा आज का श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान जो दिवस मना रहा है उसका स्मरण करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं उन सारे लोग पता चल जाएगा क्या होने वाला है और क्या होगा इसका परिणाम आने वाले पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय भाजपा। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय मंगल जी को
ये कहूंगा कि वो कृपा जी का मुंबई में इस प्रवेश के निमित्त स्वागत भी करें और उनको शुभेच्छा दें। मैं गंगा जी को विनती करता हूँ कि वो कृपा जी यतीन दोनों को शुभेच्छा दे और सबका भला करे। हमारे सबके नेता महाराष्ट्र की नाते समझने वाले माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रकांत दादा पाटील, आज इनके प्रवेश का आनंद मनाने के लिए